जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज हम सीखेंगे बड़ा प्यारा भजन, अवध में राम आए हैं। ये सुपर हिट भजन हमारे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश थी कि इस भजन को सिखाया जाए, तो इस भजन को मैं सिखाऊंगा विद नोटेशन आपको, और एक म्यूजिक पार्ट भी बताऊंगा ताकि आप जो स्थाई के बाद खाली जगह होती है वहाँ पर उसको बजा सकें और उसके बाद अंतरे को अच्छे से गा सकें, बजा सकें। तो करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस लेसन को। आइएगा, अगर आप इस भजन को सीखना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी कोशिश है अच्छे अच्छे भजनों के लेसन हम इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करें। आइएगा शुरू करते हैं। अब देखिएगा, मैं एक बार पहले आपको इसको सुना देता हूँ गा करके, उसके बाद इसका लेसन करेंगे। देखिएगा, राग यमन पर बेस है ये धुन। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। ये है भजन, ठीक है। आइएगा सीखना शुरू करते हैं, और पहले समझ लीजिए कौन कौन से स्वर इसमें यूज होंगे। देखिएगा, ये हमने सा रखा है, पहला काला सी शार्प मेजर इसका कॉर्ड है। सा रे गा मा, तीव्र मा इसमें यूज होगा। मा पा धा नी सा, ठीक है। सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। ये स्वर है, मंद्र सप्तक में आपका नी भी यूज होगा, ठीक है। अब देखिएगा पहली लाइन, सजा दो घर को गुलशन सा। ये है इतना, समझ लीजिएगा। सजा दो घर को गुलशन सा, ठीक है। अब इसका नोटेशन देखिए, सा सा गा मा पा, दोनों माँ का यूज हुआ है, ये शुद्ध माँ का भी यूज हुआ है। पहले तीव्र माँ है फिर शुद्ध माँ। सा सा गा मा पा, मा पा मा गा मा गा। सजा दो घर को गुलशन सा। इतना समझिए पहले, अवध में राम, गा रे सा सा रे मा पा, गा रे सा सा रे मा पा, अवध में राम, अवध में गारे सा सारे मापा आए हैं, आए हैं गारे सानी सा, गारे सानी सा आए हैं, अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, ठीक है। अब यही लाइन फिर ऊपर जाएगी, अब जब ऊपर जाएगी, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, फिर ये लाइन, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में
धुन चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये जो शुरू होगी लाइन, ये नी से शुरू होगी, सा रे गा मा पा दा नी। सजा दो नी 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 धा, सजा दो घर को गुलशन सा, घर को गुलशन सा, दासा नी पा धा नी सा, दासा नी पा धा नी सा, घर को गुलशन सा। सजा दो घर को गुलशन सा, नी 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 धा दासा नी पा धा नी सा, ठीक है। अवध में राम आए हैं, मा 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 धा नी धा पा मा पा, मा 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 धा नी धा पा मा पा। अवध में राम आए के बाद फिर नेक्स्ट लाइन आती है, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। अब ये लाइन है, ये लाइन जो है सेम आप पहले वाली लाइन की तरह ही बजाएंगे जो आपने बजाई है, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, उस तरह से आप इस लाइन को बजाएंगे, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं, सेम उसी तरह से बजाएंगे, ठीक है। अब ये हुआ आपका स्थाई का पोर्शन। अब स्थाई के बाद आता है आपका म्यूजिक। अब जो म्यूजिक है वो देखिएगा, म्यूजिक आपको बजाना है, ये पार्ट है पहले, ठीक है, बहुत अच्छा पार्ट है, पहले स्लो में देख लीजिएगा, फिर नोटेशन बताता हूं। सागा पा 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 मा धा पा मा गा, रे रे मा मा पा, रे रे मा मा पा गा रे सा नी सा। दो बार ये पार्ट बजाएंगे, उसके बाद इसके साथ स्थाई बजा सकते हैं म्यूजिक के रूप में। इसके बाद आता है इसका अंतरा। अब अंतरा देखिएगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। अब ये जो अंतरा है, अभी जो मैंने आपको स्थाई का सेकंड वाला पोर्शन बताया था, जो ऊपर हमने शुरू किया था, सजा दो घर को गुलशन सावध में राम आए हैं, ये वाला जो हमने पोर्शन बजाया था, ये ही धुन पर सेम आपका अंतरा रहेगा, ठीक है, वही नोटेशन है। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, वही नोटेशन चलेगा। नी 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 धा धा सा नी पा धा नी सा, मा 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 धा नी धा पा मा पा, ठीक है। लेकिन बस एक फर्क आएगा, जैसे ये लाइन है, पखारो इनके चर
जैसे दो बार ये लाइन होगी, उसके बाद बहा कर प्रेम की गंगा, ये लाइन इसमें और ऐड होगी। इसका नोटेशन और बताता हूँ आपको, बहा कर प्रेम की गंगा पा मा पा, अब ये पा मा पा मा गा रे, बहा कर पा मा पा मा गा रे। अब यहाँ धाका भी कर लगा रहे हैं, पा मा पा पा मा पा पा मा पा मा गा रे, बहा कर बहा कर प्रेम की गंगा मा पा गा रे सा नि सा, पा मा पा मा गा रे मा पा गा रे सा नि सा, बहा कर प्रेम की गंगा। ठीक है, ये अंतरा हुआ। इसके बाद फिर लाइन आती है, बिछा दो अपने पल को का, वही लाइन वापस रिपीट हो जाएगी, वही धुन वही नोटेशन रिपीट हो जाएगी जो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग बजाई है, सजा दो घर को गुलशन सा। इस तरह से आप इस पूरे भजन को, सारे अंतरों को अच्छे से प्ले कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखें, हम इसी तरह से आपके लिए काम करते रहेंगे। कीजिए आप प्रैक्टिस, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, जय श्री राम।